हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त ब्लॉगर कृष्णा और मैं आज आपको एक बहुत ही घर पर ये बहुत अच्छी दिया बत्ती बनाने का तरीका बताऊंगी। दोस्तों, हम मार्केट से लेते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है और कभी कभी हमारे पास टाइम भी नहीं होता लाने का, तो इसलिए आप घर पर ये मार्केट जैसी बत्तियाँ तैयार कर सकते हैं, उससे भी अच्छी इवन। ये देखिएगा, उसमें कुछ नहीं है, थोड़ी सी ये रेडीमेड बत्तियाँ होती हैं इस तरह से, ये फूल बत्तियाँ जो आती हैं ये लीजिए, और ये घर पर बनाया हुआ जो हम घी बनाते हैं वो घी है, और इसमें थोड़ा सा मैंने वैक्स डाला इसलिए लाल कलर हो गया है। आपका वैक्स वाइट भी हो सकता है तो वाइट ही रहेगा ये कलर, तो मेरा वैक्स लाल कलर का था इसलिए लाल हो गया। और इसमें दोस्तों, हम पूजा पाठ में कपूर की बहुत महत्वता होती है, तो ये देखिए, ये कपूर को ऐसे पीस के इस घी में ही मेल्ट कर लीजिए एक साथ। इस तरह से हम इसको सारा मिश्रण एक साथ मिला देंगे। हमने इसमें अभी तक मिलाया है कपूर, घी और वैक्स, ये देखिए इस तरह से मेल्ट कर लीजिए। और ये इस तरह के हमारे पास सिलिकॉन मोल्ड होते हैं चॉकलेट के, या आइस ट्रे होती हैं जो छोटी छोटी, तो इस तरह के मोल्ड ले लीजिए। और ये इसमें हम ये फूल बत्ती है, या तो आप इसमें पहले फूल बत्ती रख लें या फूल बत्ती बाद में भी रख सकते हैं घी डाल के, है ना। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ कैसे रखना है। इस तरह से मोल्ड ले लीजिए ये। अब इसमें हम पहले बत्ती लगा दी है मैंने ये, अब इसमें हम इसको पूरा फिल कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से पूरा फिल कर दीजिए इसे, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छी बत्तियाँ बनती है, बहुत ही शुद्ध। और ये हमने घर में तैयार किए तो हमें मालूम है कितनी शुद्ध है, इसलिए इसे घर पे ही बनाइएगा। और पूजा पाठ में बहुत ही इजी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आपके हाथ भी गंदे नहीं होते, बत्तियाँ पहले से रेडी होती हैं तो पूजा करने में मज़ा आता है। ये देखिए, इस तरह से फिल करके ये ट्रे, इस तरह से इसे सिलिकॉन मोल्ड को थोड़ी देर के लिए 5-10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती हैं और बिल्कुल मार्केट जैसी ही दिखेगी। ये देखिए, इस तरह से इसको पूरा, और थोड़ा थोड़ा जो कम है, और भी आपके पास दिया है, कटोरी है, आपको जिस भी साइज़ का चाहिए दिया उस साइज का बना सकते हो। और मैं एक दिया आपको जलाकर भी दिखाऊंगी कि बत्ती कैसे बनती है। तो दोस्तों, हमें इसे अभी फ्रीजर में रखना पड़ेगा 5-10 मिनट के लिए, क्योंकि अभी ये मुझे जल्दी बनाना है वीडियो, इसलिए नहीं तो ये रूम टेम्परेचर पर भी हो जाता है, कोई टाइम नहीं लगता। ये देखिए, अब मैं इसे फ्रीजर में रख के आती हूँ। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसे अनमोल्ड करिए और ये इसे ऐसे करके इसे अनमोल्ड करके रख दीजिए, और मैं आपको एक ट्रायल के लिए जला के दिखाऊंगी। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं, ये देखिए इस तरह के मोल्ड में रख सकते हैं, दिए में रख सकते हैं, छोटी कटोरी में रख सकते हैं, किसी में भी बना के रख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से दीपक जलाइए और अपनी दिवाली मनाइए और बहुत अच्छे से पूजा में मन लगाइए। और ये जो हमने ये अनमोल्ड करके रखे, आप इसे ऐसे कंटेनर में भर के, एक अच्छे से कंटेनर में भर के और इसे फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी आपको पूजा करनी हो एक ऐसे निकालिए और इसे जलाइए और बस हो गया काम। तो दोस्तों, ये ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल।